पासवान, कमलेश पासवान यूपी से आते हुए बांसगांव से सांसद चुने गए हैं, और ये पंकज बताएंगे इनके बारे में ज्यादा। मैं आप इनको देखिए, कमलेश पासवान को आपको लग रहे होंगे यंग है, दिखने से तो आपको ये नजर आ रहे होंगे, लेकिन 2009 से लगातार बांसगांव सुरक्षित सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, यानी 2009, 2014, 2019 और ये 2024 चार बार के ये सांसद हैं। और इनका पुराना राजनीतिक घराना रहा, इनके पिता ओम प्रकाश पासवान थे वो भी विधायक रहे, इनके भाई विमलेश पासवान हैं वो भी विधायक हैं। इससे पहले अगर याद होगा गौरव आपको, कौशल किशोर नाम के यूपी से एक मंत्री होते थे, बिल्कुल ये जो लखनऊ की बगल में, जैसे गोरखपुर के गोरखपुर में ही बांसगांव, ऐसे लखनऊ में है मोहनलालगंज, कौशल किशोर वहां से मंत्री हुआ करते थे, इस बार चुनाव हार गए। वो जिस बिरादरी से थे यानी पासी समाज से, उसी समाज से ये भी आते हैं, और इसी बिरादरी से आते हैं जो फैजाबाद जिसमें अयोध्या पड़ता है वहां से अवधेश पासी चुनाव जीते हैं, जहां ये नारे लग रहे थे कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो ये पासियों का जो शिफ्ट हुआ उधर, उसको रोकने के लिए, हालांकि कमलेश पासवान ये चौथी बार बने हैं, उनको इसीलिए इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है कि भैया आपके पास एक जिम्मेदारी है, ये जो वोटर शिफ्ट हो रहा है उधर, उसको आपको रोकना है। तो बिहार में भी पासवान वोट साथ में, और यहाँ इधर उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ बिल्कुल, पर वहाँ का जो वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है उस हिसाब से देखिए तो थोड़ा अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है। और क्योंकि गोरखपुर के बगल की सीट है कमलेश पासवान का, वहाँ से आना भी एक बहुत अहम यहाँ मैसेज भी है। श्री भागीरथ चौधरी, अब भागीरथ चौधरी आ रहे हैं, भागीरथ चौधरी राजस्थान कोटे से, और